फिर मैसेज करें जो लोग आ गए हैं क्लास में, मिखाई का मैसेज करेंगे। क्लास शुरू हुई है नहीं जरा बताएं मुझे, क्लास शुरू हो गई है या नहीं हुई है जरा बता दें एक बार। क्लास शुरू हो गई है क्या? चलिए जो लोग आए हैं एक बार हाय का मैसेज करेंगे फिर क्लास शुरू करेंगे। चलिए एक मिनट का इंतज़ार करते हैं फिर क्लास शुरू करेंगे। जो लोग आ गए हैं एक बार हाय का मैसेज करें। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग अंशिका जी, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में। चलिए ये मेरे बारे में है, आई एम शालिनी बंसल, आई हैव 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। चलिए गुड इवनिंग सौरभ जी। चलिए आज काफ़ी सारा चीज आपको नया मिलेगा इसमें देखने को, तो देखेंगे क्या क्या चीज़ें नई मिलेगी आपको। तो सभी जल्दी से जुड़ जाएं, जो आप शेयर कर दें जो लोग नए जुड़ रहे हैं कि क्लास शुरू हो गई है। देखिए यार डेली लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, बिल्कुल आपके सिलेबस को देख के सारे कोर्सेस को बनाया गया है।
ठीक है, और लाइव टेस्ट और क्विजेज हैं कि आप टेस्ट जो है वगैरह आप सारे आपके सिलेबस को देख के बनाए जा रहे हैं, और जो आपके अनलिमिटेड एक्सेस है, आपने एक बार अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप कितनी बार भी चाहे किसी भी एजुकेटर का उस पर्टिकुलर कैटेगरी में देख सकते हैं। मतलब आपको कोई मनाही नहीं है कि आपको एक बार देखना है, दो बार देखना है, जब तक देखिए तब तक आपको समझ ना आ जाए वो चीजें। अब बात करते हैं कि अनअकैडमी में किस तरह से खुद को रजिस्टर करना है। तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपने नंबर से इंस्टॉल करना है। आप ये हमारी क्लास होती है 10 से 11, यहाँ पे स्पेशल क्लास होती है। अभी नेशनल पार्क कवर कर रहे हैं, आज साउथ के नेशनल पार्क कवर करेंगे हम लोग। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब साउथ के करेंगे। 10 to 11 क्लास होगी, सभी क्लास में जरूर आए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूपी ये सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12 to 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है जो रिकमेंडेबल है कि आप 7,000 or 8,400 वाला सब्सक्रिप्शन ले लें। इसमें EMI ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप EMI भी ऑप्ट कर सकते हैं। कोड अप्लाई करना है शालिनी, शालिनी कोड अप्लाई करने से क्या होगा, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 12 by 24 मंथ में। तो आप कोड अप्लाई करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट ले लें, और ये आप ले लें जितनी जल्दी हो सके, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अखिलेश जी गुड इवनिंग। क्योंकि क्या क्यों अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपके सिलेबस को देख के सारी तैयारी कराई जाएगी, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में एक जगह सारी चीजें मिल जाएगी। और EMI ऑप्शन है तो आपको पर मंथ भी खर्च बहुत ज्यादा कम पड़ रहा है, बहुत मिनिमल चार्जेस है, तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है आज का। आज स्टैटिक पोर्शन भी कुछ ऐड किया है आपके पॉलिटी के, कुछ इंडेक्स के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, तो काफी सारी चीजें आज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी यहाँ पे। फिर जैसे होता रहेगा वैसे चीजें और ऐड करते जाएंगे। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन। बताना है किस कंपनी ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की है। बताइए, आप सभी इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में, और एक बार शेयर कर दें जितना ज्यादा हो सके कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। एक बार शेयर कर दें, चलिए बताइए इसका आंसर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। आज पता नहीं बच्चे थोड़े कम लग रहे हैं, क्या बात है। चलिए बताएं, विच कंपनी लॉन्च द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, बताना है कौन सी कंपनी के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। गूगल आया है एक आंसर, और बताएं इसका आंसर क्या होगा। IBM भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। और बताएं, चलिए आंसर दीजिए। ए आ रहा है, शैलेंद्र जी आए हैं बोल रहे हैं ए है गूगल। ओके, और क्या है, और कुछ भी लग रहा है क्या किसी को, सभी को आंसर देना है। आंसर भाई सभी दीजिए, क्या लग रहा है। बहुत बढ़िया, देखिए गूगल है, IBM नहीं है, ना ही TCS है, गूगल है भाई, गूगल है। अपडेट कर ले, कल भी हमने पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था बताएं, गूगल ने क्या लॉन्च किया था बताइए, कल क्या पढ़ा था याद कीजिए। कल भी हमने गूगल का पढ़ा था, एक कर्मो ऐप पढ़ा था जो आपका गूगल जी ने जो लॉन्च किया है नौकरी के लिए। तो गूगल अभी काफी सारे इनिशिएटिव ले रही है, तो इस तरह से गूगल ने एक द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। इसमें क्या है, गूगल ने बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जैसे मीट की मीटिंग फैसिलिटी है, क्लासरूम फैसिलिटी है गूगल के ऐप पे ही, आपके जी सूट फैसिलिटी है जो आप ईमेल वगैरह करते हैं वहां पे ही। तो इसमें क्या है, इसमें क्योंकि देख रहे COVID-19 की सिचुएशन की वजह से क्या हुआ, सारे के सारे बच्चे स्टूडेंट्स टीचर सबको क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होने की वजह से क्या मांग ज्यादा बढ़ गई है, तो अच्छे से और चीजें हमें चाहिए। चलिए नमस्कार धीरज जी, तो और भी चीजें हमें चाहिए, तो इस वजह से क्या किया गया है, गूगल के द्वारा एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया था एनीवेयर स्कूल, की कहीं भी स्कूल की शुरुआत की जा सकती है। तो इसमें क्या है, 250 कंट्रीज के अराउंड से भी ज्यादा कंट्री ने क्या है यहाँ पे बहुत ये कंट्रीज में बहुत सारी चीजें एड ऑन की गूगल में, जैसे मीटिंग रूम है, क्लासरूम फैसिलिटी है, और 100 or 1,000 ऑफ व्यूअर्स के लिए कुछ पेड है, कुछ अनपेड चीजें हैं यहाँ पे। तो काफी सारी काफी अच्छी पहल है गूगल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी। बताइए, निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स शुरू किया गया है किसके द्वारा, बताइए, दिल्ली के द्वारा, लद्दाख के द्वारा, पंजाब और राजस्थान, तो बताएं किसके द्वारा किया गया है। जो लोग नए जुड़े हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को, जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करना है भाई।
जस्ट अ मिनट, एक बार बताएं आवाज वगैरह आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही है बताएं जरा सा मुझे। वीडियो ऑन हुआ क्या, वीडियो ऑन हो गया, एक बार बता दें। सब सही आ रहा है क्या, शायद बीच में वीडियो चला गया था। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए इसका भी आंसर दिल्ली है, दिल्ली होगा, देखिए दिल्ली होगा इसका आंसर। चलिए लोग चले गए, लग रहा है कि उनको लगा क्लास खत्म हो गई है इस वजह से। चलिए दिल्ली है, देखिए निर्माण जो मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान है ये मेगा रजिस्ट्रेशन है। मेगा रजिस्ट्रेशन इसको क्यों बोला गया, बहुत सारे मजदूरों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है इसके अंदर। 24 से 11 सितंबर के बीच में वर्कर्स को इसमें रजिस्टर किया जाएगा। 70 स्कूल को रजिस्ट्रेशन कैंप बनाया गया जहां पे जाके मजदूर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं कि हाँ कि वो क्या करें, वो मजदूर है और उनको वो क्या मजदूरी का काम करते हैं। और इसके अंतर्गत ही 5,000 रुपए, जब COVID-19 की सिचुएशन हुई थी तो मजदूरों को दिया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। देखिए बहुत ही अच्छी पहल दोबारा शुरू की गई है, 24 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा। 70 असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिल्ली में आपके 70 स्कूल को चुना गया है जहां पे आप जाके मजदूर जाके रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपने आप को, और ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। edistrict.delhigovernmentnic.in ये ऑनलाइन साइट है लेबर लोगों के लिए जहां वो अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। दूसरा फिर देखिए रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट बताई गई है, एज लिमिट वो 18 से 60 साल बताई गई है। मतलब अगर जो मजदूर है 18 से 60 साल के बीच में बिलोंग करता है तो रजिस्टर्ड अपने आप को करा सकता है। उनको आप कुछ चीजें दिखानी होगी, डॉक्यूमेंट्स होता है ना कि वैलिड होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए उनके पास कि भाई ये चीजें हैं कि वो मजदूर है सच में। तो उनको सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क दिखाना पड़ेगा कि वो कहीं काम करते हैं, इस चीज का उनको उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटो होना चाहिए, लोकल आईडी प्रूफ होना चाहिए कि भाई वो यहाँ के निवासी हैं, उनके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। बैंक अकाउंट का नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड का डिटेल होना चाहिए, और उनका क्या ये सब चीज़ें चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मतलब खुद को रजिस्टर्ड कराना है तो ये सारी चीज़ें चाहिए। 15 दिन का रजिस्ट्रेशन कैंप चलेगा दिल्ली गवर्नमेंट में आपका, जहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, 15 दिन के बाद फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, एनालाइज करेगी चीज़ों को कि हाँ अब उनको आगे किस तरह से लेके चलना है। 5,000 स्टार्टिंग में दिया गया था कुछ सब 2 महीनों तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जब उन्होंने खुद को रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड वर्कर्स थे उनको, तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो ये चीज़ें ये शुरू किया गया है। और आपका मुहिम का नाम है निर्माण मजदूर आपके रजिस्ट्रेशन अभियान। तो ध्यान रखना है दिल्ली ने शुरू किया है, 70 स्कूल को जहां जिसके अंतर्गत चूज किया गया है जहां पे मजदूर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे। उनको क्या चीज़ें चाहिए, तो उनको लोकल आईडी प्रूफ चाहिए, फोटो चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए उनके पास, आधार कार्ड होना चाहिए उनके पास, सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं काम करते हैं, इस चीज का सर्टिफिकेशन उनके पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इज हेडेड बाय, बताना है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की अगुवाई कौन करेगा, कौन उसका हेड बनेगा, बताना है। अब ये नया चैप्टर आपके पॉलिटी में ऐड हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नन ऑफ द एवर, बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर, सभी को बताना है, सही बताएं इसका आंसर, ऊपर से कोई नहीं, ये है बताइए, सी बताने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और भी बताएं आंसर, सभी बताएं इसका क्या लग रहा है सबको। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आ गया है, और क्या लग रहा है, देखिए आवाज वगैरह ना आए, कभी चली जाए, वीडियो वगैरह रुक जाए, तो एक बार बता दिया कीजिए कि रुक गया है, थोड़ा ध्यान दे दिया जाएगा, अभी वीडियो शायद चला गया था, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। चलिए जो लोग नहीं जुड़े हैं एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, सी आया है, सभी का सी आ रहा है, और भी किसी को कुछ आंसर लग रहा है क्या, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और भी किसी को कुछ लग रहा है क्या, सभी इसका आंसर देना है, आंसर सबको देना है भाई, आंसर दे दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, और तो कुछ नहीं है ना, डिस्कस करें, देखिए नया चैप्टर हो जाएगा आपकी पॉलिटी के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है काउंसिल अभी शुरू हो गई है, नेशनल काउंसिल, तो इसको बहुत अच्छे समझना है आपको।
ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा शुरू किया गया, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अभी यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए भी, इससे एक प्रश्न आने का पूरा संभावना है, तो अपना कान बिल्कुल खोल के सुने इसके बारे में। देखिए ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, हेड किया जाएगा। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, द सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन हेडेड बाय द यूनियन। हेड किसके द्वारा किया जाएगा, हमने पढ़ लिया, 10 रिप्रेजेंटेटिव होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, मतलब सेंटर से 10 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सेंटर के डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे 10 लोग, मतलब 10 डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, जिसको जो देखेंगे चीज़ों को। 5 स्टेट हैं, 5 स्टेट के मेम, 5 स्टेट को क्या है कि रोटेशनल बेसिस पे चलेगा, पहले 5 स्टेट जाएंगे इसमें, प्लस मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, जो इस मेंबर के ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो मेंबर हैं, जो आपके तीसरा जेंडर हो गया है। हाँ दिवाकर जी बहुत लेट आए क्लास में, 7 बजे क्लास होती है, आप लोग लेट आने लग गए हैं आजकल, क्या बात है, हम तो टाइम पे आते हैं, आप लोग लेट क्यों आते हैं भाई। देखिए 10 तो सेंट्रल डिपार्टमेंट, ये देखिए ये जो भी लोग नए जुड़े हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अभी यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से सुने, ठीक है। पढ़ रहे हैं हम लोग नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, इसमें क्या है, पहला चीज़ है आपको ध्यान रखना है, हेड किसके द्वारा किया जाएगा, सोशल जस्टिस मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा, यूनियन का जो मिनिस्टर होगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, तो उसके द्वारा किया जाएगा। दूसरे इसमें 10 लोग होंगे सेंट्रल डिपार्टमेंट के, 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट से, एक एक डिपार्टमेंट से एक एक लोग जाएंगे, फिर आपके 5 स्टेट्स होंगे इसमें, प्लस आपके मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी होंगे, जो भी हाँ जो भी आपके ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो भी मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, वो होंगे इसके अंदर। अब देखिए बात ये है कि ये किसके अंतर्गत किया गया है, तो फर्स्ट पहली बार ये आपका बनाया गया था, ये आपका एक्ट बनाया गया है, ट्रांसजेंडर पर्सन राइट्स एक्ट 2019, याद रखना है 2019 में ये एक्ट पारित हुआ था ट्रांसजेंडर के लिए। ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, जबकि देखिए उनकी कोई गलती नहीं है, वो ट्रांसजेंडर हैं, तो इसकी वजह से ये जो है आपका पहल चलाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उनके की भी हित को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट सबके लिए, सबको जीने का अधिकार है, आप किसी को भी उस चीज़ से वंचित नहीं कर सकते हैं। देखिए अब इस काउंसिल का मेन काम क्या होगा, गुड इवनिंग सरिता जी, इस काउंसिल का देखिए मेन काम क्या होगा, 5 मेन काम है इस काउंसिल का। पहला एडवाइस करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या पॉलिसीज होने चाहिए, कैसे प्रोग्राम होने चाहिए हमारे, किस तरह से हमें प्रोजेक्ट, क्या क्या प्रोजेक्ट हमें चलाने हैं, ताकि हम क्या कर सके, ट्रांसजेंडर पर्सन को अपना ये उनको भी रिस्पेक्ट मिल सके सोसाइटी में। दूसरा क्या है, मॉनिटर करने के लिए जो भी प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि भाई जो पॉलिसी चलाई गई है वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, हमने जो भी मुद्दा सेट किया था, जो भी हमने एम, जो भी लक्ष्य बनाया था अपने पॉलिसी के अंदर, क्या वो लक्ष्य को हम अचीव कर पा रहे हैं, क्या हम उस लक्ष्य से डेविएट तो नहीं हो गए, तो ये चीज को देखा जाएगा। दूसरा तीसरा चीज क्या देखा जाएगा, अगर जो भी डिपार्टमेंट्स इसके अंदर बनाए जाएंगे, जो भी इसका रख रखाव करेगा, जो भी देखेगा, उसको देखा जाएगा उस डिपार्टमेंट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिंक टूट गया, सब डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, ये चीज भी देखा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन को थर्ड जेंडर ऑफ द कम्युनिटी, हाँ अगर कोई ट्रांसजेंडर को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो वो भी अपना ग्रेवियांसेस, वो भी अपनी बातें बता सकते हैं यहाँ पे जाके, तो उनके ग्रेवियांसेस को, उनके जो भी आपके जो भी इनको परेशानी है, उस परेशानी को भी देखा जाएगा। रिड्रेस ग्रेवियांसेस का मतलब यही हो गया कि आपको कोई परेशानी है तो आप शिकायत जाके कर सकते हो, और इस शिकायत को बिल्कुल इंटरटेन किया जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा कि ये जो चीज़ें चल रही है वो ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर जो है आपका जो भी आपके फंक्शन परफॉर्म, जो भी आपके फंक्शन सेलेक्ट किए गए हैं सेंटर के द्वारा, जो बताए गए हैं कि भाई ये फंक्शन होना चाहिए, ये चीज़ें करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। 5 चीज़ें ये बेसिकली काउंसिल देखेगी, पहला क्या देखेगा, एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पॉलिसीज कैसे बनाना है, प्रोग्राम कैसे बनाना है। दूसरा मॉनिटर, अब देखिए पॉलिसी बन गया तो मॉनिटरिंग का काम भी होना जरूरी है, देखा जाएगा सही चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही है। तीसरा क्या होगा, देखा जाएगा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जो मैंने बोला आपको 10 डिपार्टमेंट से 10 लोग आएंगे इस कम्युनिटी के, ये इस काउंसिल के अंदर, तो उस जो डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर काम कर रही है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा, जो भी ट्रांसजेंडर को जो भी परेशानी है, अगर उन्होंने अपनी परेशानी बताई है, जो भी ग्रेवियांसेस दिया है, उसको भी एड्रेस किया जाएगा, उसको पूरी तरह से इंटरटेन किया जाएगा, देखा जाएगा कि सही चीजें चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरा, जो भी फंक्शन, जो भी
सेंटर बोल रहा है कि भाई ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं आपको, वो सारी चीजें भी ये कम्युनिटी क्या करेगी, ये काउंसिल क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो आपको भी अब दो चीजें मैंने पढ़ाई, पहला क्या पढ़ाया, 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट के आपके सदस्य रहेंगे, से 5 स्टेट रहेगा और कुछ मेंबर्स रहेंगे कम्युनिटी के, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के। अब देखिए ये जो काउंसिल है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल मेंबर्स होंगे फ्रॉम द मिनिस्ट्री, बता देखिए किस किस मिनिस्ट्रीज इसमें होंगे, जो 10 बताया था आपको, हेल्थ होंगे, होम मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी अफेयर है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट है, लेबर एंड लॉ है, और इसके साथ ही क्या होंगे, नीति आयोग के सदस्य होंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य होंगे और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। देखिए वुमेन तो होगा ही होगा, वुमेन तो होगा ही, तो ये तो बिल्कुल वो बात है कि याद करने वाली बात है कि वुमेन तो होगा, हेल्थ भी होगा, होम होगा, माइनॉरिटी, एजुकेशन, बहुत ही जो मिनिमल जो लोग होते हैं वो सारे लोग इसमें होंगे। तो इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन भी इसमें इंक्लूडेड होगा। और देखिए 5 जो स्टेट जो चूज किया गया, यूटी चूज किया गया, रोटेशनल बेसिस पे चूज किया गया, मतलब हर तीन साल में ये 5 जो कंट्री व 5 जो स्टेट हैं वो चेंज होते जाएंगे। मतलब अभी जो 5 स्टेट बने हैं वो 3 साल बाद रिप्लेस हो जाएंगे दूसरे 5 स्टेट से, ठीक है। ऐसे चलेगा, रोटेशनल बेसिस पे चलेगा, एज के हिसाब से इसमें नहीं है, रोटेशनल बेसिस के हिसाब से ध्यान रखना है, क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। एक आप एकदम मान के चलिए, 5 स्टेट क्या है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, त्रिपुरा और गुजरात। ये अभी 5 स्टेट को चूज किया गया है इसके अंदर। तो फिर क्या है, 5 मेंबर जो कम्युनिटी है, 5 एक्सपर्ट होंगे, ये 5 एक्सपर्ट होंगे, 5 मेंबर की कम्युनिटी भी होगी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होगी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, वो भी इसके अंदर अपना क्या कर सकती है, हैव ऑल्सो बी नेम टू द कमीशन, कमीशन के अंदर नाम दे सकती है। और टेन्योर क्या होगा, 3 इयर्स का होगा, आपको बता दिया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, नया चैप्टर आपके इसको ऐड हो गया है आपके पॉलिटी में, तो ध्यान रखें, इसका एक नोट्स जरूर बना लें, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर देखिए एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, मतलब अपने पद के कारण सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट जो मिनिस्टर हैं इसके क्या हो जाएंगे, आपके चेयरपर्सन हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ, आपका ट्रांसजेंडर पर्सन क्या है, बताना है कि कौन है इसके चेयरपर्सन, बताना है नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन का चेयरपर्सन कौन है, बताना है आपके थावर चंद गहलोत, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र मोदी, नन ऑफ द है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता लग जाएगा, बताएं इसका आंसर, बताएं इसका आंसर, बताएं। चलिए सभी बता दें इसका आंसर क्या है, चलिए अर्जुन मुंडा आ रहा है, और बताएं क्या लग रहा है, सभी को बताना है इसका आंसर, बताइए भाई। चलिए थवर चंद्र गहलोत आ रहा है, बहुत बढ़िया, और बताएं, चलिए सभी को बताना है, चलिए आंसर देने से मत घबराइए भाई, आंसर दीजिए। चलिए चलिए आ गया है मैम, वीडियो पॉज हो गया है, वीडियो फिर से पॉज हो गया है, क्या हो रहा है आज, एक मिनट रुकिए भाई, एक सेकंड का समय दीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है आज। अब हुआ क्या ठीक, बताएं जरा हुआ क्या ठीक, ठीक हो गया, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए, बता दिया कीजिए, क्योंकि पता नहीं चलता है पढ़ाते पढ़ाते कई बार ये ऑफ हो जाता है, आज ही हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है,
टॉप हो रहा है। सभी लाइक कर दें जरा वीडियो को, जो लोग नहीं जुड़े हैं। देखिए नरेंद्र सिंह मोदी होगा नहीं तो थवर चंद गहलोत होगा, बताया था अभी आपको, बताया था ना कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर होंगे इसके, जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे। तो देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नुआखाई जुहार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ या बोथ टू एंड थ्री या फिर ऑल ऑफ द एवर, बताना है नुआखाई जुहार तो त्योहार कहाँ मनाया जाता है, बताएं सभी इसका आंसर क्या होगा, सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा, नुआखाई जुहार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, किस स्टेट में मनाया जाता है, सभी को बताना है। हाँ सही बता दें, चलिए सी बता रहे उड़ीसा, किसी का छत्तीसगढ़ आ रहा है, किसी का उड़ीसा आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, मतलब 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहे हैं। चलिए उड़ीसा आ रहा है, उड़ीसा और सीजी, सीजी का मतलब क्या हो गया भाई। चलिए ऑल ऑफ द एवव भी है ऑप्शन में, आप जरा ध्यान रखें, 4 और 5 नया ऑप्शन ऐड भी किया है इसमें, तो इसका भी ध्यान रखना है। चलिए एवव ऑल लग रहा है, 4 भी लग रहा है, मतलब 4 आ रहा है, उड़ीसा भी लग रहा है, बिहार मतलब किसी को नहीं लग रहा है, उड़ीसा आ रहा है, किसी का छत्तीसगढ़ आ रहा है, किसी का ऑल ऑफ द एवव आ रहा है, किसी का बोर्ड 2 एंड 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कस करना पड़ेगा अब लगता है, देखिए बोर्ड 2 एंड 3 होगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है ये नुआखाई जुहार जो फेस्टिवल है। देखिए ऐसे जो फेस्टिवल होते हैं उसका आ जाता है एग्जाम में कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखना है नुआखाई जो जुहार फेस्टिवल है वो आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए ये क्या है, नुआखाई जुहार जो फेस्टिवल है, देखिए तो ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है बेसिकली, इसको नुआखाई पर्व और नुआखाई भेंटघाट भी बोलते हैं, ठीक है, भेंटघाट भी बोलते हैं, नुआखाई पर्व बोला जाता है, नुआखाई भेंटघाट बोला जाता है, एक कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, नुआ न्यू राइस एज नुआ, देखिए नुआ का मतलब है नया चावल, मीन न्यू, एंड खाई मीन्स ईट होता है, ठीक है, ईटिंग ऑफ नुआखाई इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इट सिग्निफाइज ईटिंग ऑफ न्यू राइस, नया चावल बोलते हैं ना, नया चावल पुराना चावल, तो नया चावल खाना, एज नुआ का मतलब है नया, खाई का मतलब है ईट, तो ये नुआखाई जो जुहार है ये बहुत ही एंशियंट, बहुत ही पुराना फेस्टिवल है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का, और उसके नेबरिंग आसपास के जो स्टेट है वो लोग भी करते हैं, कब मनाते हैं, जब नया क्रॉपिंग सीजन होता है, न्यू क्रॉपिंग सीजन में ये लोग मनाते हैं, और इस दिन क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, फूड ग्रेन से प्रिपेयर करते हैं, एक खास तरह का ये आपका बोल सकते हैं मील प्रिपेयर करते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं, और भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान इनकी कौन है, तो इनकी गॉडेस है समलेश्वरी, समलेश्वरी भगवान है इनकी, जिनको ये सब खाना पीना चढ़ाते हैं, ये मदर गॉडेस है इनकी, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा का, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अभी तो देखिए COVID-19 की सिचुएशन की वजह से इतना धूमधाम से त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है, थोड़ा आराम से घर में ही लोग मना रहे हैं, लेकिन पहले काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल आपका थुम्बी महोत्सव जो है 2020 का ऑर्गेनाइज किया गया है कौन से स्टेट के द्वारा, फर्स्टली ऑर्गेनाइज किया गया है केरला कर्नाटका आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो बताना है कहाँ पे किया गया है थुम्बी महोत्सव जो है आपका 2020 का जो पर्व है ड्रैगन फ्लाई का, वो कहाँ पर आया गया है। चलिए एक आंसर आया है केरला, और बताएं आंसर क्या लग रहा है। देखिए जो लोग नए जुड़े हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को, हाँ चलिए केरला आया है, और भी कुछ है क्या, किसी को कुछ लग रहा है और भी कुछ, चलिए बताएं। और 10 to 11 आज फिर हमारी स्पेशल क्लास होगी, साउथ के नेशनल पार्क कवर करेंगे, अब साउथ के नेशनल पार्क कवर करेंगे, 10 to 11 क्लास होगी, स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, आप सभी को क्लास में आना है, स्पेशल क्लास होगी 10 to 11, सभी टाइम पे आए क्लास में, सभी टाइम पे आए क्लास में। चलिए बताइए और सही बताएं इसका आंसर क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं, स्पेशल क्लास में जो यहाँ पे आते हैं, क्लास में आइए, वहाँ का कंटेंट जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, और किसी को सब्सक्रिप्शन संबंधी दिक्कत हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए व्हाट्सएप नंबर है ये, तो इसमें आप सभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
केरल आ रहा है आंसर। चलिए सभी का केरल आ रहा है, और भी कुछ लग रहा है किसी को? इंतजार करें या बढ़े? बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्व है, अब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए केरल ही है आपका थुम, आपके थुम्बी महोत्सव जो मनाया गया है 2020 का, केरल में मनाया गया, पहली बार मनाया गया है। फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भी इसको बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए अवेयर करने के लिए बेसिकली कि ड्रैगन फ्लाई का मतलब क्या है, कि जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं इंसेक्ट्स वगैरह, तो ये क्या करती है, इन्वायरमेंट को बचाने में हेल्प करती है। अब इन्वायरमेंट में जो एग्रीकल्चर वगैरह जो होता है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम लोग बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए, है ना। हम लोग जीव जंतुओं को, छोटे छोटे कीड़े मकौड़ों को मारने के लिए एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर आप बोल सकते हो, आप कीटनाशक दवाइयाँ बोल सकते हैं, बेसिकली कीटनाशक दवाइयाँ यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, और उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानि भी होता है, वो हमारे बॉडी को भी हानि पहुँचाता है। तो इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्या करती है ये ड्रैगन फ्लाई जो होती है, ये छोटे छोटे कीड़े मकौड़े होते हैं, ये मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाते, ये जो इंसान को होते हैं, ह्यूमन को हानि नहीं पहुंचाते, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जो हार्मफुल इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जिसके लिए हम कीटनाशक दवाइयों का यूज करते हैं, ये उनको मारने में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये पेस्टिसाइड वगैरह का जो यूज करते हैं हम इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए एग्रीकल्चर में, तो ये उसको खा जाता है बेसिकली, और एग्रीकल्चर को बर्बाद होने से बचाता है। तो इस तरह से इनका जो है हमारे एनवायरमेंट में काफी बड़ा रोल है ड्रैगन फ्लाई का। तो इस वजह से इसके अवेयरनेस को जताने के लिए, इसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ड्रैगन फ्लाई, फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है वो केरला में बनाया जा रहा है, और नाम है इसका क्या, थुम्बी महोत्सव। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के हिसाब से, इसलिए आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइप के जो फेस्टिवल होते हैं आ जाता है एग्जाम में। देखिए इसका जो ये है, ये मैस्कोट है, मैस्कोट मतलब क्या है, ये मतलब जो दिखाने के लिए बोलते हैं ना कि आप उसका चिन्ह क्या है, तो इस फेस्टिवल का चिन्ह ये हो गया पंटालू, ठीक है, पंटालू है ऑफिशियल मैस्कोट भी बोल सकते, शुभंकर बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो शुभंकर बोलते हैं, तो पंटालू करके ये है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अवेयरनेस करने के लिए ये चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, इस चिन्ह का यूज़ किया जा रहा है लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। अब देखिए किसके साथ मिलकर ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेशनल इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेशनल इंडिया जो स्टेट यूनिट है उसके साथ, ये उसने किसके साथ ज्वाइन किया है अपना हैंड को, तो सोसाइटी ऑफ ऑर्डिनेंट स्टडी, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है केरला में। और नेशनल ड्रैगन फ्लाई जो फेस्टिवल है ये किसका पार्ट है, ये पहले भी ऑर्गेनाइज हो चुका है लेकिन केरला में पहली बार हो रहा है, ये किसका पार्ट है, तो नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का जो है उसके द्वारा, और बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी एंड इंडियन, इन दोनों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए ये सारी बातें बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ड्रैगन फ्लाई का मतलब क्या हो गया, वो सारे इंसेक्ट जो कि छोटे छोटे कीड़े मकौड़ों को खाते हैं, जो आपके एग्रीकल्चर में बेसिकली एग्रीकल्चर को हानि पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो ये उनके लिए है। ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी एसोसिएशन विथ नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, अब किसका एसोसिएशन है, देखिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, नेशनल यूएन एपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड IUCN, ये सब मिलके एसोसिएशन बनाते हैं ड्रैगन सोसाइटी का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए आप लोगों के कहने पर आप लोग ने कहा था इंडेक्स के क्वेश्चन ऐड करना है, तब से रोज आपको एक इंडेक्स का क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आपको एक एक इंडेक्स एग्जाम तक याद हो जाए, जितने भी इंडेक्स हैं वो आपको एग्जाम तक बिल्कुल इवेंचुअली लर्न हो जाएंगे, तो आप रोज जरूर आए क्लास में। क्योंकि पहला इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है आपको बताना है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, और नन ऑफ द एवर, बताएं इसका आंसर क्या होगा, फिर हम इसके बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे, और फिर इसके बाद में। हेलो नूरी जी, देखिए आपने कल बोला था इंडेक्स वाले क्वेश्चन को ऐड करने के लिए, इसलिए इंडेक्स वाला क्वेश्चन देखिए ऐड कर दिया है। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी अभी आपको मिलेंगे, कुछ आपको इंडेक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, अब आपको और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये तीनों चीज़ ऐड हो गई है आपके आज के लेक्चर में। हाँ, यूपी से रिलेटेड अभी आपको इवेंचुअली मिल जाएंगे, रोज आप जब हम एक इंडेक्स करेंगे तो उसमें यूपी से रिलेटेड भी इंडेक्स आएंगे, डोंट वरी गायत्री जी, बिल्कुल चिंता ना करें, यूपी से रिलेटेड इंडेक्स आपको मिलेंगे रोज। हाँ, चीज़ें अपडेट कर दी जाएगी, आप बस सजेशन देते रहा कीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको चाहिए इस लेक्चर में। हाँ, लेकिन क्लास में आना है, आप लोग क्लास में नहीं आते हैं फिर भी, टाइम पे नहीं आ रहे क्लास में, जो भी आए हैं लाइक कर दीजिए, बहुत कम बच्चे हैं आजकल क्लास में, क्या बात है, समझ नहीं आ रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़ें पढ़ना। चलिए हाँ बताएं इसका आंसर UNDP आया है, और भी किसी को कुछ लग रहा है क्या, सभी को आंसर बताना है इसका, फिर हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे, बताएं इसके बारे में। चलिए
बहुत बढ़िया। देखिए यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एनुअली जारी किया जाता है, हर एक साल में जारी किया जाता है। 2020 का भी आना बाकी है, 2019 का आ चुका है। तो ये देखिए फर्स्ट लॉन्च किया गया था 1990 को, 1990 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था, एनुअली लॉन्च होता है। अब इस इंडेक्स में क्या, इस इंडेक्स में क्या होता है, बेसिकली देखा जाता है ह्यूमन का डेवलपमेंट, जो कंट्रीज हैं, जो भी इसमें कंट्री जो भी इंक्लूडेड हैं, वो देखता है ये इंडेक्स, दैट इज यूज टू रैंक कंट्री बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उस चीज़ को इसमें देखा जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ उस चीज़ को उसमें देखा जा रहा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, स्कोर यूजिंग इंडिकेटर। देखिए इसमें तीन, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी में कि आपका तीन इंडिकेटर को यूज़ करता है एसडीआई रैंक करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो आपका रैंक करने के लिए, मानव विकास सूचकांक जो है तीन चीज़ों का यूज़ करता है, ये देखने के लिए कि ह्यूमन का विकास, लोगों का विकास उस पर्टिकुलर कंट्री में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला क्या है, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कितना ज़्यादा, कितने समय तक लोग जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम की हर एक इंसान की कितनी है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब होगा कि एक इंसान कितना कमा पा रहा है। एजुकेशन लेवल क्या है उस कंट्री का, तो इस तीन चीज़ को रखा जाता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी, पर कैपिटा इनकम हो गया, और एजुकेशन, ठीक है। एलपीजी बोलते हैं ना, एलपीजी की जगह एलपीई हो गया, तो याद रखना है एलपीई है, एलपीजी नहीं है, एलपी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल तक जिंदा रहेंगे, हाँ। एजुकेशन क्या है, आपका एजुकेशन कितना रहेगा, और पी से क्या हो गया, पर कैपिटा इनकम की हर एक बंदा कितना कमा रहा है। दूसरा टॉप, जो टॉप किया है इसमें कौन है, तो नॉर्वे है जो इसमें टॉप किया है, स्विट्जरलैंड सेकेंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। आपको इतना ही याद रखना है, पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया कितने नंबर पर, इंडिया 129 रैंक पर था, और जब हमने इसके 2018 की बात करेंगे तो 130 रैंक पे था, तो एक जो है रैंक इसका अपग्रेड हुआ है, 129 पे पहुंच गए हम लोग। टोटल कंट्री कितनी है, तो 189 कंट्री है, इसका भी ध्यान रखना है। और सबसे नीचे कौन सा है, तो इसमें है एसडीआई में आपका नाइजर, नाइजर जो कंट्री है वो सबसे निचले स्थान पे, यहां पे पॉवर्टी लेवल बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा क्या है, गरीबी रेखा से बहुत ज्यादा लोग बहुत नीचे हैं गरीबी रेखा से। तो इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, 1990 में शुरू हुआ था, तीन इसमें जो है इंडिकेटर है, तीन चीजें हैं जिसको देख के देखा जाता है ह्यूमन का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कितने साल तक लोग जिंदा रहेंगे, पर कैपिटा इनकम वहां की इनकम कितनी है हर बंदे की, दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन का लेवल कितना है, ठीक है। तो एलपीजी से याद कराया आपको, एलपीई है, एलपीजी नहीं है, एलपीई, ठीक है। या फिर पेल याद कर सकते हो आप, बोलते हैं ना पेल के मारेंगे, तो ये पेल के देखते हैं भाई कि लोगों के सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एसडीआई देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पेल से याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो पेल याद रहेगा, 189 कंट्री है, 129 रैंक था इंडिया का, उसके पहले 130 रैंक था, 2019 का बता रही हूँ, 2020 का भी आया नहीं है। दूसरा नॉर्वे पहले रैंक पे है, दूसरे रैंक पे स्विट्जरलैंड, तीसरे रैंक पे ऑस्ट्रेलिया, सबसे अंतिम रैंक पे है। तो अंतिम रैंक पे कौन है, आपके नाइजर है अंतिम रैंक पे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेम द इंडिकेटर यूज्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बताइए इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में संकेतकों के लिए कौन सा आपका जो है यूज किया जाता है चीजें। देखिए पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है एजुकेशन। अब ऑप्शन है आपके पास ओनली ए और बी, सिर्फ ए और बी का यूज होता है, या फिर ए बी सी का यूज होता है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए ई आ रहा है आंसर, और बताएं, हाँ सभी को दे रहा है इसका आंसर, जो लोग नए जुड़े हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को, हाँ चलिए बताएं और सही बताएं इसका आंसर। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, रोज एक इंडेक्स के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे यहाँ पे, रोज हम एक इंडेक्स का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्लास जो होगा वो आपका नेशनल पार्क का चलेगा 10 से 11, आपको सभी को आना है स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास में सभी आइए, बड़ा मजा आएगा आप लोग को भी, आप लोग को पूरे नेशनल पार्क लर्न हो जाएंगे अगर आप क्लास सिंसियरली से करते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा सारा का सारा नेशनल पार्क। तो टाइम पे आइएगा क्लास में, 10 से 11 जरूर आए, बिल्कुल एमसीक्यू भी करते हैं ताकि बोरियत ना हो, प्लस आपके कुछ स्टैटिक चीज़ें पढ़ते हैं जो नेशनल पार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही चीज़ें साथ में लेके चल रही हूँ। तो क्लास में आना है आप सभी को, क्योंकि नेशनल पार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप देखेंगे किसी भी एग्जाम को अगर पेपर उठाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो क्लास में जरूर आना है आप सभी को। चलिए ई है, ए बी सी जिसने बोला है बहुत सही बोला है, नाइजीरिया याद रखना है सबसे लास्ट में है, पहले नंबर पे कौन है जरा बता दें, हाँ पहले नंबर पे कौन है बता दें, अभी पढ़ाया था बता दें पहले नंबर पे कौन है, चलिए टॉप पोजिशन बताएं कौन है, अभी कराया था, क्या हुआ क्लास में सो गए क्या सभी,
चलिए बताइए। हाँ, नॉर्वे आ गया है और दूसरे नंबर पे कौन है? देखिए पहला दूसरा, पहला नंबर और दूसरा नंबर पता होना चाहिए, और नीचे से किसने टॉप किया ये पता होना चाहिए, और इंडिया का रैंक क्या है तो वो पता होना चाहिए। तो 129 है इंडिया का रैंक, ये याद रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नॉर्वे हो गया, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड हो गया, और तीसरे नंबर पे आपका हो गया क्या बताइए? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हाँ 129 रैंक है इंडिया का। जी नेक्स्ट देखिए, हु वॉज अ क्रिएटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसको पहली बार किसने बनाया था ये बताना है। महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, या अमर्त्य सेन ने, या फिर नन ऑफ द एवर बताएं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसके बारे में बात कर रहे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि आपका UNDP जारी करता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो निकल के आती है उससे, वो कौन, किसकी देन है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन उसका क्रिएटर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का बताएं। ए आ रहा है आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सी भी आया है इसका आंसर। और सही बताएं, और भी किसी को कुछ आंसर लग रहा है तो बताएं जरा सा। चलिए हाँ, इसका आंसर बताएं ए बी सी डी में। नूरी जी इसका आंसर बताइए, क्या लग रहा है इसका आंसर? पाकिस्तानी है। हाँ बहुत बढ़िया, पाकिस्तानी है। चलिए चलिए, ऐसे पढ़ाई लर्न हो गया, बहुत बढ़िया। बस वही वही है कि आपको लर्न होना चाहिए बस चीजें। हाँ देखिए, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है महबूब उल हक, इन्होंने ही SDI को दिया है 1990 में, तो याद रखना है। ये आपका कंट्रीज डेवलपमेंट बाय UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है हर साल, तो ध्यान रखना है इस चीज को। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको लर्न हो गया होगा, कल भी आपको इससे प्रश्न मिलेंगे ताकि आपको चीजें बिल्कुल याद हो जाए इससे, और कल दूसरा इंडेक्स भी डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए बताएं, एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक क्या है? हाँ बताएं इसका। हाँ दोनों ही होगा, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, अगर दोनों, हाँ दोनों ही ऑप्शन में दे दिया था मैंने, तो दोनों में से अगर एक आएगा तो एक रखना है। महबूब उल हक, अमर्त्य सेन इंडियन होंगे, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक होंगे पाकिस्तानी। चलिए इसका आंसर बताइए, सभी को, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए बताएं, चलिए इसका आंसर सभी का आना चाहिए, आपके पास है सारे ऑप्शन, सभी बता दें इसका आंसर। चलिए हाँ 130 2018, हाँ 2019 हो गया आपका, 129, बहुत बढ़िया, 129 है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कुशीनगर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड आपको बताना है? कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बताएं कहाँ पे लोकेटेड है ये। हाँ चलिए सभी को इसका आंसर देना है कि कहाँ पे लोकेटेड है ये, आंसर दीजिए आप सभी इसका। चलिए आंसर सभी को देना है। चलिए यस मैम, हाँ दोनों होगा, SDI को दोनों ने ही डेवलप किया है। ठीक है, अमर्त्य सेन ने भी किया है, महबूब उल हक ने भी किया है, दोनों ने किया है। अमर्त्य सेन आपके इंडियन हो गए और ये आपके हो गए पाकिस्तानी, तो ध्यान रखना है दोनों ने ही मिलकर डेवलप किया है, उसमें ऑप्शन ए भी दोनों होना चाहिए था। हाँ इंडिया के अमर्त्य सेन है और महबूब उल हक है, तो दोनों ही होंगे, SDI को दोनों ने मिलकर डेवलप किया है, तो ऑप्शन में दोनों होना चाहिए था, तो वो ऑप्शन नहीं दिया था। ठीक है, अगर नहीं रहता है, सिर्फ महबूब उल हक रहता है तो सिर्फ महबूब उल हक हो जाएगा, या फिर अमर्त्य सेन रहता है तो सिर्फ अमर्त्य सेन हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों होगा ऑप्शन में तो दोनों ही होगा। चलिए हाँ
फोर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, यूपी आ गया, बहुत बढ़िया। तो यूपी में है अभी रिसेंटली, अभी इसका शिलान्यास हो गया है, मतलब काज शुरू हो गया है इसका, पूजा पाठ हो गया कि भाई शुरू होना चाहिए ये। तो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी हैं उत्तर प्रदेश में भी, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में है ये, और ये आपके लखनऊ में। तीसरा अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी, ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में, और आपके चौथा ये बन गया आपका कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर क्योंकि बुद्धिज्म के बुद्धा की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टूरिस्ट प्लेस है कुशीनगर बुद्ध की वजह से, क्योंकि बताएं बुद्ध का कौन सा लाइफ स्टेज यहाँ पे हुआ था, लाइफ स्टेज यहाँ पे बुद्ध का कौन सा खत्म हुआ था, बताना है आप सभी को। और देखिए वीडियो लाइक कर दीजिए जो लोग जुड़ रहे हैं नए, लाइक नहीं कर रहे हो आजकल आप, क्या बात है। हाँ बताएं, चलिए कुशीनगर में क्या हुआ था सभी को बताना है, बुद्ध के लाइफ से एसोसिएटेड है कुशीनगर। हाँ निर्वाण हुआ था, बहुत बढ़िया, निर्वाण हुआ था कुशीनगर में। क्या है इनका जो है टेम्पल भी बनाया गया है बुद्ध का, तो बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लोग यहाँ पे घूमने फिरने आया करते हैं। हाँ डेथ हुआ था, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस सीकिंग 75% रिजर्वेशन फॉर द लोकल यूथ इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य की कैबिनेट ने निजी संगठनों में स्थानीय युवाओं के 70% आरक्षण मांग के लिए मांग वाले एक अध्यादेश की मंजूरी दे दी है, बताना है किसने दिया है, बताएं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार। 75% सीट रिजर्व होगी लोकल यूथ के लिए, मतलब आसपास के जो आपके युवाओं हैं उनके लिए होंगे उस स्टेट के, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। देख ली पब्लिक तो पब्लिक, अब प्राइवेट में भी सीट रिजर्व हो गई है, बताएं भाई। हाँ बी आ रहा है हरियाणा, और सही बताएं इसका आंसर क्या लग रहा है। चलिए सभी का आंसर आ गया लगता है, सभी बी बोल रहे हैं, और भी किसी को कुछ लग रहा है। एमपी भी आया है आंसर, अच्छा एमपी भी आया है और यूपी भी आया है, मतलब एमपी और हरियाणा दो में आप लोग कन्फ्यूजन है लगता है। सभी आंसर दें इसका, हरियाणा आ गया है आंसर, और सही बताएं, और सही बताएं। सभी बताएं और सभी इसका आंसर। चलिए और देखिए आप सभी नंबर पे जुड़ सकते हैं। कुछ समस्या हो तो आप बता सकते हैं। चलिए बी आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, चलिए बी और सी आ रहा है, बी सी, बी और सी मतलब हरियाणा और मध्य प्रदेश। हाँ बहुत बढ़िया, लेस देन 5 लाख बता रहे हैं, 50,000, ओके चलिए बहुत बढ़िया। हरियाणा है भाई, हरियाणा है, अपडेट कर ले। मध्य प्रदेश में 100% सीट रिजर्व कर दी गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, चलिए हरियाणा है इसका आंसर, याद रखना है सी ओनली। हाँ 75% जो न्यू एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो लोकल कैंडिडेट से ही सिर्फ वो जॉब दिया जाएगा, लोकल कैंडिडेट को ही जॉब दिया जाएगा। सैलरी की शर्त रखी गई है 50,000 से कम होनी चाहिए, और जो एम्प्लॉयर्स के पास ऑप्शन है कि वो और भी लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। रिक्रूट मतलब क्या है, और भी लोगों को नौकरी में रख सकते हैं आसपास के एक डिस्ट्रिक्ट से 10 लोगों को ही नौकरी पर रखा जा सकता है। मतलब अगर एक डिस्ट्रिक्ट है उसे सिर्फ 10 लोगों को नौकरी पे रखेगा एम्प्लॉयर। एग्जेम्पशन दिया गया है इस क्लॉज में, अगर लोकल कैंडिडेट नहीं अवेलेबल है किसी कैटेगरी में, पर्टिकुलर कैटेगरी में, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो ही वो बाहर से रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। सुटेबल लोकल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ों का भी थोड़ा सा एग्जेम्पशन दिया गया है, लेकिन 75% सीट को रिजर्व कर दिया गया है वहाँ पे, अभी ऑर्डिनेंस जारी किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेम द स्टेट हु अनाउंस रिजर्वेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू इट्स स्टेट, बताना है जिसने अपने राज्य से संबंधित लोगों को सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश, बताना है। चलिए जो लोग नए जुड़े हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को, और देखिए 10 से 11 क्लास होगी, स्पेशल क्लास होगी 10 से 11, सभी को आना है क्लास में, 10 से 11 क्लास होगी। नेशनल पार्क डिस्कस करें, बिल्कुल आपको ऐसे याद होगा कि नेशनल पार्क आप भूलोगे नहीं। साउथ के नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे, कुछ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क जो हमने डिस्कस कर लिया है उसको भी एमसीक्यू के थ्रू याद करने का ट्राई करेंगे, और बिल्कुल ट्रिक से याद कराऊंगी, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे क्लास में, इसलिए जरूर आए आप सभी क्लास में, क्लास में आप सभी को जरूर आना है।
10 से 11 वाली क्लास है, और अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कोड आपको अप्लाई करना है शालिनी, इससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। सिस्टमैटिक वैसे बिल्कुल पढ़ाई स्टडी हो रहा है, और 1 ईयर या फिर 2 ईयर का कोर्स ही खरीदें, क्योंकि वही इकोनॉमिकल भी पड़ेगा आप लोग को और अच्छा भी पड़ेगा। 1 मंथ में जस्ट 1 मंथ का आप कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो आपको 2 ईयर्स का अवेलेबल मिल जाएगा। EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसको भी ध्यान रखना है। हाँ चलिए, 44 बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश है मतलब 44, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए MP है, अभी पढ़ाया था MP है, तो ये भूलना नहीं है, MP में हो गया 100%, 75% प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में 75% प्राइवेट सेक्टर में, MP में 100% गवर्नमेंट सेक्टर में, तो भूलना नहीं है इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आप लोग ने बोला था कि पॉलिटी के क्वेश्चन कुछ ऐड करने के लिए, तो अभी ऐड किया है कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन, बताइए। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड एज लैंडमार्क, बताना है किसके द्वारा, किस जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला बताया कि केशवानंद भारती जो वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है, कौन सा केस इस बात को बताता है सुप्रीम कोर्ट का, बताइए। पहला है द रिलीजन कैन नॉट बी मोबिलाइज फॉर पॉलिटिकल एंड, राजनीतिक छोर के लिए अधर्म नहीं जुटाया जा सकता। दूसरा है अबोलिशिंग अनटचेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री, देश से अस्पृश्यता का अनुमूलन। तीसरा है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। दूसरा है संविधान की मूल संरचना जैसे कि प्रस्तावना में परिभाषित है बदला नहीं जा सकता, बताना है इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताएं। किस फैसले के दौरान, किस चीज के दौरान ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती बनाम जो भारत के मामले हैं उसमें ऐतिहासिक माना गया है इसको। चलिए आ गया है ऑप्शन आप सबका डी आ रहा है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड एज अ प्रीएम्बल कैन नॉट बी चेंज, मतलब बोला गया कि भाई पार्लियामेंट आप कुछ भी चेंज करो, ठीक है, बोला गया पार्लियामेंट जी आप कुछ भी चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शर्त है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू के लिए हम बीच में आएंगे, बोल दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम जुडिशियल रिव्यू के लिए बीच में आ जाएंगे। चलिए बताएं जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, आपको करा दिया है याद, जरा बता दें जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है। हाँ, देर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होगा बोल दिया पार्लियामेंट ने, ये 1973 का केस था, इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको चेंज कीजिए, आपके पास पूरा पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है चेंज करने का, लेकिन आपका जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर भाई किसका नाम है, तो इसको वो टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जैसे 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 प्रॉब्लम आती जाती है वैसे वैसे बेसिक स्ट्रक्चर को और ज़्यादा एलाबरेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा हम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके चीज़ों को चेंज करते रहते हैं, इसलिए वो लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन आपका। चलिए बताएं, और यही जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पावर है यही पार्लियामेंट पे क्या करता है, लिमिटेशन भी लगाता है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन आ गया, यूएसए आ गया, बहुत बढ़िया, यूएसए है। देखिए मनी बिल एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल, बताना है मनी बिल किससे रिलेटेड है, सभी बता दें इसका आंसर, मनी बिल किससे रिलेटेड है, सभी को बताना है इसका आंसर, मनी बिल किससे रिलेटेड है, और सभी लोग लाइक कर दें, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, देखिए लाइक करने से इतनी कंजूसी का है भाई, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए बताएं मनी बिल किससे एसोसिएटेड है, 110 आ रहा है, चलिए और सभी को क्या लग रहा है, और सभी को क्या लग रहा है, बताना है सबको इसका, किसका आंसर सबको बताना है, मनी बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बता दें मनी बिल क्या लग रहा है आपको, चलिए सभी बताएं फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पर बताना सबको है इसका आंसर। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग नीलंबर जी, बहुत लेट हो गए, अब तो जाने का टाइम हो गया, आप तब आए हैं, ऐसा कैसे चलेगा, टाइम पे आए भाई, ए शायद बता रहे हैं, ओके सरिता जी का आंसर आया ए, 110 आया है आंसर, बहुत बढ़िया। 123 भी लग रहा है क्या किसी को, ज़रा बताएं 123 भी लग रहा है क्या किसी को, ज़रा बता दें, चलिए 110 ही आ रहा है आंसर,
110 ही आ रहा है आंसर। चलिए 110 है या 108 है, सभी को बताना है इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, 110 है। मनी बिल के बारे में 110 बताता है, 108 बताएं किसके बारे में बताता है। मनी बिल को 110 बताता है, 108 बताएं किसके बारे में बताता है। हाँ ओनली लोकसभा बताएं, 108 के बारे में बताएं, 108 किसके बारे में बताता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ 123 ऑर्डिनेंस से बिलोंग करता है, 108 ज्वाइंट मीटिंग को बताता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई परेशानी हो रही है, किसी बिल पे नहीं आ रहा है कोई जवाब, दोनों के बीच में सहमति नहीं हो पा रही है, तो फिर 108 का यूज किया जाएगा और ज्वाइंट सिटिंग होगी। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग होगी लोकसभा और राज्यसभा के। इस बात का ध्यान रखना है मनी बिल में, मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ है। राज्यसभा के पास बस इतना ही अधिकार है कि वो 14 दिनों तक मनी बिल को रोक के रख सकता है, 14 दिनों तक। उसके बाद उसने अगर बिल को नहीं पास किया तो वो बिल जिस रूप में राज्यसभा के पास गया था उसी रूप में वो पास हो जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने वो बिल को पास कर दिया है, और राज्यसभा चाहे तो रिकमेंडेशन दे सकता है कि भाई ये चीज़ें वो चेंज करवाना चाहता है, पर उसको मानना ना मानना वो आप पे लोकसभा पे डिपेंड करता है। तो ये बात ध्यान रखना है, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन की मोहलत है, उसी में उसको अपना जो देना है सलाह मशवरा देना है, और उस सलाह मशवरा को लोकसभा मानेगा कि नहीं मानेगा वो लोकसभा पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि लोकसभा की मर्जी है या नहीं, अगर लोकसभा नहीं चाहता तो नहीं मान सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ये आपका मनी बिल है वो लोकसभा में ही रखा जा सकता है, ये ध्यान रखना है, लोकसभा में ही रखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा मनी बिल होगा या नहीं होगा वो लोकसभा का स्पीकर तय करेगा। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर बताएगा कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, और उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। वो चीज़ें जो बोलेगा आपका स्पीकर उसी भी बात को मानना पड़ेगा। ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है इसमें, ध्यान रखना है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। दूसरा है आपका प्रेसिडेंट के पास जब ये हस्ताक्षर होने के लिए जाएगा तो प्रेसिडेंट या तो उसको उस बिल को हस्ताक्षर करने से मना कर देगा या उस बिल पे हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, उसको वो लौटा नहीं सकता है, उसके पास बीच का रास्ता नहीं है कि वो उसको ये बोले कि आप इस पे दोबारा से विचार करो। ठीक है, बात ये ध्यान रखना है, इसको कांट रिटर्न नहीं कर सकता है, या तो वो हाँ करेगा या तो वो ना करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट के बारे में हो गया, ये मिनिस्टर ही रख सकता है, सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा ही रखा जाएगा। और अगर मनी बिल पास नहीं हुआ, मान लीजिए किसी कारणवश अगर मनी बिल पास नहीं होता है, तो ध्यान रखना है इसका मतलब ये होगा मिनिस्टर की लुटिया डूब गई, मतलब अब क्या होगा, अब इस जो सरकार को क्या होगा कि अब पद छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ये मिनिस्टर के द्वारा ही रखा जा सकता है। अगर मिनिस्टर के द्वारा रखा हुआ बिल ही अगर लोकसभा में पास नहीं हो रहा, इसका मतलब एक ही है कि बहुमत में नहीं है सरकार, सरकार को गिरने से फिर कोई नहीं बचा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तुरंत सरकार के पास। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो ये सारी बातें हैं जो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है मनी बिल के बारे में। चलिए तो आज क्वेश्चन यहीं खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट। तो आपको अब तीन चीज़ें ऐड ऑन मिल गई है, करंट अफेयर प्लस आपके कुछ आज के करंट अफेयर होंगे जो आपके करंट में चल रहे हैं, प्लस कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन ऐड ऑन होंगे इसमें, प्लस आपके इंडेक्स के क्वेश्चन ऐड ऑन होंगे, यूपी के इंडेक्स होंगे, आपके ओवरऑल इंडेक्स होंगे। तो ये तीन चीज़ें अभी नई ऐड आपको मिलेगी, अब रोज इसमें तीन बातें ऐड हो गई है आपके इसमें, और जिस तरह से आपका सजेशन आता जाएगा जैसा आप पार्टिसिपेट करते जाओगे उस हिसाब से और चीज़ें हम ऐड ऑन करते जाएंगे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मनी बिल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यूपीपीएससी प्री करंट अफेयर। चलेगा चाहेगा तो बताना फ्रेंड्स, क्या चल रहा है किसी को। चलिए देखिए सब्सक्रिप्शन के बारे में देख लीजिए, 12 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। तो 12 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होगा, इसमें आपको करंट अफेयर भी अवेलेबल मिल जाएगा। जो करंट अफेयर के बारे में पूछ रहे हैं आप, इसमें करंट अफेयर भी ले सकते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर भी अवेलेबल है।
टीचर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर भी, और काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। करंट अफेयर भी यहाँ पे अवेलेबल है, आपकी 1 मंथ की फी इतनी है और 24 मंथ की फी इतनी है, तो 1 ईयर से 2 ईयर का आपको टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से ये सही है आपके लिए। और देखिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मेंस का भी चीज़ें इंक्लूडेड है, मेंस है प्लस सीसैट है प्लस आपके प्रीलिम्स हैं, तो मेंस भी इसमें इंक्लूडेड है, तो आपका ऑप्शनल वगैरह सब कुछ यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आपको कोड याद रखना है, अप्लाई करना है शालिनी SHALINI, इससे क्या होगा आपको, हाँ आपको UPPSC का ही स्पेशल बैच है, ये UPPSC का ही स्पेशल बैच है, तो आप ले सकते हो, और कोड अप्लाई करना है शालिनी SHALINI, इससे क्या होगा तो आपको 10% का ऑफ हो जाएगा, आपको 12 मंथ का ये पड़ेगा 6300 और 24 मंथ का 7560, और आपको EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो जो भी चाहें ले सकते हैं, इसमें काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। शालिनी कोड आपको अप्लाई करना है, कोड आपको याद रखना है, कोई दिक्कत हो आपको परेशानी सब्सक्रिप्शन संबंधी तो आप पूछ सकते हैं, इसमें व्हाट्सएप नंबर है ये, सब्सक्रिप्शन संबंधी कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ चलिए, तो EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप सभी ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, और जो लोग भी नए जुड़े हैं लाइक कर दीजिए भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आजकल लाइक बहुत कम आ रहे हैं, टाइम पे भी आप लोग नहीं आ रहे हैं क्लास में, आपके अनुसार ही चीज़ें चेंज हो रही है, उसके बाद भी क्या परेशानी हो रही है जो क्लास में नहीं आ रहे हो आप लोग, क्लास में आइए आप सभी, हाँ क्लास में टाइम पे आइए। चलिए 10 to 11 जरूर आइएगा, स्पेशल क्लास होगी 10 to 11, नेशनल पार्क कवर कर रहे हैं वहाँ पे, आपके सारे नेशनल पार्क वहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो 10 to 11 क्लास होगी आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में, सभी को आना है क्लास में, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में क्लास होगी, सभी आए 10 to 11, नेशनल पार्क साउथ के कवर करेंगे, और अभी तक जितना पढ़ाया है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, सभी क्लास में ज़रूर आए। चलिए थैंक यू।